सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूँ साजिदा। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कॉकरोच से छुटकारा पाने का बहुत आसान तरीका। एक इस्तेमाल से आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें दो तीन चीज़ों की ज़रूरत है जो कि आपके किचन में ही है। तो इसी का इस्तेमाल हम करके किचन से अपने कॉकरोच को हमेशा के लिए भगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्पेशल वीडियो। तो सबसे पहले आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सारा इन्फॉर्मेशन मैं इसी वीडियो में दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ सबसे पहले दो नैप्थलिन के बोल जो कि इस तरीके से है। अगर आप कपूर ले रहे हो जो कि हम मंदिर वगैरह में कभी यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हो। अगर आपके पास वो है तो वो ले लो, नहीं तो नैप्थलिन की बोल ले लो, कपूर ले लो। तो इस तरीके से दो पीस ले लेने हैं और किसी भी पेपर को लेके अच्छे से इसका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के लिए आपको डबल जो है पेपर को फोल्ड करना है और दो लेयर की होगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा, वरना पेपर फट भी सकता है। तो इसको अच्छे से पाउडर बना लेना है ताकि ये अच्छे से बाकी चीज़ों में मिक्स हो जाए। तो इसको हम अच्छे से पाउडर बनाएंगे और इसको यूज़ किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है और इसको सिंपल वे में ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने देखा रहेगा मेरे चैनल पे सारी चीज़ें मैं बहुत ही ईजी और सिंपल वे में ही शेयर करती हूँ जो कि मैं खुद ट्राई करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। आप लोग मेरी पुरानी वीडियो भी देख सकते हो जाके। तो चलिए फटाफट से लाइक कर दीजिए जब तक का मैं इसको पाउडर बना रही हूँ। तो इसका अच्छे से पाउडर बना लेना है। ये पाउडर रेडी हो गया है। अब इसमें दूसरा जो है मेन इंग्रेडिएंट्स वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है कॉकरोच को भगाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होते हैं कॉकरोच उससे। तो देखिए अच्छे से मैंने इसका खूब बढ़िया से पाउडर बना लिया है। इतना आपको बनाना है जैसे कि हम आटा वगैरह रहता है ना, हमको वैसा ही बनाना है। तो ये है बोरिक एसिड पाउडर जो कि हम अपने कैरम के लिए यूज़ करते हैं और हमारी जो वुडन की चीज़ें होती है ना वो भी बहुत ही अच्छे से सेफ रहती है, बाकी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी नहीं होते हैं और कॉकरोच वगैरह भी होंगे तो वो भी नहीं रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक चम्मच के करीब वो ले लिया है और मैं यहाँ पे ले रही हूँ आधा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा। ये बेकिंग पाउडर है, अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो वो ले लीजिए, नहीं तो बेकिंग पाउडर आपको है तो वो यूज़ कर सकते हो। अब क्या करना है, अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करना है, खूब बढ़िया से मिक्स होना चाहिए वरना पाउडर अलग अलग होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा वैसा जैसा कि हम चाहते हैं। तो इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है और बहुत ही अच्छी स्ट्रांग स्मेल आती है, जैसे कि हम नैप्थलिन के बॉल को क्रश करते हैं ना वैसे ही बहुत स्ट्रांग स्मेल आ रही है। तो सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ इसको यूज़ करने के लिए। जैसे कि हम हमारे किचन में बड़े बड़े डब्बे होते हैं ना, वहाँ आसपास इसको अच्छे से लगा देना है, छिड़क देना है। इसको आपको क्या करना है, लगा के छोड़ देना है और रात को लगा के छोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपको दिन में इसको पोछा नहीं लगाना है, इसको वैसे ही रहने देना है और दो तीन बार आपको इस तरीके से रिपीट करना है। और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग स्मेल जब इसकी फैल जाएगी तो कॉकरोच वगैरह तो आएंगे नहीं और जो होंगे ना वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ और वुडन के साइड का भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो ये देखिए वुडन के साइड का भी हमें इस तरीके से करना है और वो साइड में हमको क्या करना है जहाँ पे हमारा फर्नीचर वगैरह होता है उसके कॉर्नर्स के इधर आपको अच्छे से अप्लाई करना है। किचन में आपको अच्छे से अप्लाई करना है, जहाँ जहाँ आपको लगे कि कॉकरोच आते हैं वहाँ वहाँ आपको अप्लाई करना है। जहाँ से आएंगे ना वहाँ पे पहले अप्लाई कर लो, फिर उसके बाद में चीज़ें जो है अपने घर में वहाँ पे अप्लाई कर लो। तो कॉकरोच जो होंगे ना वो मर जाएंगे या फिर चले जाएंगे, आएंगे नहीं, क्योंकि ये स्ट्रांग स्मेल उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है और बोरिक एसिड पाउडर से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो देखिए मैंने तीन ही चीज़ें आपको बताया है ताकि आपके किचन में मिल जाए। हो सकता है आपके पास बोरिक एसिड ना हो तो बहुत ईजीली मिल जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।